हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं न्यू प्लेलिस्ट। और मैंने तुम लोग को सिमिलैरिटी के टाइम ही बताया था कि ये प्लेलिस्ट में हम लोग हर एक थ्योरम, हर वीडियो में एक थ्योरम करवाएंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, हर एक थ्योरम करा देंगे। तुमको जो थ्योरम करना रहेगा वो तुम लोग वो वाला वीडियो सेलेक्ट कर लो, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वीडियो में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्कस करेंगे। तुमको जो भी थ्योरम चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मुझे बोलो कि सर मुझे ये थ्योरम चाहिए। समझ में आ रहा है? जो जो थ्योरम चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम है, तो कौन सा थ्योरम बनाओ कौन सा थ्योरम नहीं बनाओ, ठीक है। अगर मैं अपने स्पीड से जाऊंगा पता चला कि जो बहुत सारे लोगों को डाउट है वो मैं कवर ही नहीं कर पाया। तो तुमको जो भी थ्योरम चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। और वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करो, जो हम लोग को मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? फिर भी हम लोग हफ्ते में 4 से 5 वीडियोस अपलोड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब के, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम और 10th स्टैंडर्ड। अगर अच्छा लगा तो 9th स्टैंडर्ड के भी वीडियोस अपलोड करेंगे, 11th 12th के भी वीडियोस है कुछ कुछ, ठीक है। तो बस वीडियोस को शेयर करो, ये हम लोग को मोटिवेट करता है। हम लोग भी देखते हैं भाई अच्छा खासा रीच हो रहा है चैनल का, तो और मेहनत करें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैंने तुम लोग को ऑलरेडी स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया है। कब? सिमिलैरिटी में, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, सिमिलैरिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, ये सब चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, तो स्टेटमेंट क्या है इसका प्रूफ देखते, स्टेटमेंट ऑलरेडी तुम लोग को पता है, हम लोग को सिर्फ प्रूफ देखना, बहुत ही सिंपल प्रूफ, बहुत सिंपल प्रूफ, ध्यान देना, ठीक है। If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in 2 distinct points, distinct मतलब अलग अलग, then the line divides the sides in the same proportion. Proportion, P R O P raised to N proportion. क्या बोला है? तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी है, लाइन एल इंटरसेक्ट कर रहा है साइड ए बी और साइड ए सी को, तीन साइड में से दो साइड को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और तीसरे साइड से वो क्या है पैरेलल है, तो L पैरेलल टू BC, तुम्हें क्या प्रूफ करना है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बच्चों यहां पे ध्यान दो, मैं क्या बोल सकता हूं, इन ट्रायंगल ABC गिवन क्या है, लाइन L पैरेलल टू BC, और जो लाइन L है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC को, डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग-अलग पॉइंट, दैट इज P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तुम्हें क्या प्रूफ करना है? वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सॉरी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर, प्रोपोर्शन मतलब क्या, जब दो या दो से ज्यादा रेशियो इक्वल रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन में बोलते हैं। तो यहां पे जो AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं अगर तुम लोग को रीड करने नहीं हो रहा है, ए पी क्यू बी सी, ओके, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ सेगमेंट पी सी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है ना, तो ऐसा डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है, डॉटेड लाइन ड्रॉ सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट बी क्यू, ओके, आई होप कंस्ट्रक्शन तुम लोग को समझ गया रहेगा। अभी प्रूफ देखना, प्रूफ हम लोग ने ऑलरेडी क्या पढ़ा है, अगर दो ट्राइंगल है उनका रेशियो ले रहे हो, अगर उनका बेस सिमिलर है तो वो प्रोपोर्शनल रहेगा उनके हाइट से, अगर हाइट सिमिलर है तो प्रोपोर्शनल रहेगा उनके बेस से। समझ में आ रहा है? सिंपल है, अगर बेस और हाइट दोनों भी सेम है तो वो इक्वल ट्राइंगल है, दोनों का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सॉरी हाँ दोनों का ट्राइंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल ट्राइंगल नहीं बोल सकते, दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। तो बच्चों अभी यहाँ पे जानते प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB हैव इक्वल हाइट्स, ठीक है, देखो APQ और PQB इनके हाइट्स इक्वल है, ठीक है, इनका हाइट इक्वल है, हाइट इक्वल होने के बाद समझ में आ रहा है, दोनों का भी हाइट क्या है, इक्वल है। अब मुझे पता है अगर दो ट्राइंगल है उनका हाइट इक्वल है तो किसको प्रोपोर्शन रहेगा, बेस को प्रोपोर्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? हाइट इक्वल है तो किसको प्रोपोर्शन रहेगा, बेस को प्रोपोर्शन रहेगा। अभी APQ का हाइट कौन है, PQ, और PBQ का हाइट कौन है, PQ। समझ में आ रहा है? दोनों का हाइट है PQ, तो दोनों किसको प्रोपोर्शन रहेंगे, उनके बेस को, AP और PB। तो इसके लिए अगर हाइट इक्वल है तो वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, बेस को प्रोपोर्शनल रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB, क्योंकि वो उनका बेस है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आगे क्या, अब दूसरा ट्राइंगल लो, दूसरा ट्राइंगल APQ, ओके, अब यहां पे PQB लिया था ना, PQB लिया था ना, तुम लोग PQC लो। समझ में आ रहा है? कौन सा ट्राइंगल, APQ और PQC। समझ में आ रहा है? अभी ब्रैकेट में लिखना, दे ऑल्सो हैव इक्वल हाइट, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखा है, ट्राइंगल APQ एंड PQB हैव इक्वल हाइट, तुम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना वापस से, क्या, ट्राइंगल APQ एंड PQC हैव इक्वल हाइट। समझ में आ रहा है? ट्राइंगल APQ एंड PQC हैव इक्वल हाइट, तो अभी अगर इनका भी इक्वल हाइट है तो वो भी बेस को प्रोपोर्शनल रहेगा। इसके लिए यहाँ पे सेम टू सेम रीजन कॉपी करना है, प्रोपोर्शनेट टू बेस। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, क्या, AQ अपॉन QC,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, अब तुम्हारे दो ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल, पी क्यू बी और पी क्यू सी, पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये दो पैरेलल लाइन के अंदर ट्राइंगल है। यहां पे ध्यान देना, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, पी यहां पे है, क्यू यहां पे है, बी यहां पे है, सी यहां पे, ठीक है, पी क्यू सी और पी क्यू बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, और अगर कोई भी ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में होता है, अगर दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका एरिया क्या रहता है, इक्वल रहता है, उनका एरिया क्या रहता है, इक्वल रहता है। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, जो तुम्हारा ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, दोनों का बेस सेम है बच्चों, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया भी सेम है, बेस भी सेम है, तो हाइट भी सेम रहेगा ना, हाइट भी सेम रहेगा, तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट, समझ में आ रहा है, उनका हाइट इक्वल है, उनका एरिया भी इक्वल है, हाइट इक्वल है, उनका एरिया भी इक्वल है, समझ में आ रहा है, अगर उनका एरिया इक्वल है, उनका एरिया इक्वल है, उनका एरिया इक्वल है, समझ में आ रहा है, मतलब मैंने क्या बोल दिया, पी क्यू बी इज इक्वल टू पी क्यू सी, मतलब ये देखो, ये देखो, ये सर डिनोमिनेटर पी क्यू बी और पी क्यू सी इक्वल है, और न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी इक्वल इक्वल ही एरिया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, क्यों, क्योंकि सर पी क्यू बी और पी क्यू सी को आपने इक्वल ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, पी क्यू बी और पी क्यू सी को आपने ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर दिया है। सर आपने अगर एल एच एस इक्वल प्रूव किया तो आर एच एस भी इक्वल आ जाएगा, एपी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, AP upon PB is equals to AQ upon QC. I hope तुम लोग को इतना क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो गया है, जो थ्योरम चाहिए तुम लोग वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।